बीजगणितीय विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने ग्राफ विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल पढ़े थे, आज हम बीजगणितीय विधि से पढ़ेंगे। बीजगणितीय विधि मतलब बीजगणितीय विधि भी, इसमें भी तीन प्रकार की विधियां होती हैं। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है विलोपन विधि, और तीसरा होता है वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणन विधि। पहले प्रतिस्थापन विधि, बाद में एक एक करके सबको देखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन शब्द से ही अर्थ निकल जाता है, एक एक मान को दूसरे मान की ओर प्रतिस्थापित करना ही प्रतिस्थापन विधि। जैसे इसमें समीकरण ले हम, पहला समीकरण 3x + y = 30, ये पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है 2x + 5y = 33, ये दूसरा समीकरण है। प्रतिस्थापन विधि में हमें पहले एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में उसी x या y का मान रखना होता है। जैसे अगर हम देखें तो पहले समीकरण से निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से 3x + y = 30, यहाँ से y का मान निकाले तो y बराबर हो जाएगा 30 - 3x, ये समीकरण 3। अब समीकरण 1 से हमने y का मान निकाला जो समीकरण 3 बना, तो 1 और 3 का यूज हुआ 2 में, अब y का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 है हमारा 2x + 5y = 33, जहाँ से हमें y का मान रखना है 2x + 5y = 30 - 3x = 33, 2x + 5 = 150 - 15x = 33। अब इसको इस तरफ 150 को इस तरफ 75 करते हैं, पहले 2x - 15 तो -13x = 33 -150, -13x = 10 - 3 = 7, एक सौ सत्रह। अब यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, पहले एक्स बराबर -13 को इस तरह पक्षांतर कर देंगे, -117/-13, माइनस और माइनस प्लस, एक्स बराबर आ गया 13 - 9 = 117, x = 9 आ गया। अब x का मान हमें पता चल गया तो हम y का मान भी पता कर सकते हैं। समीकरण 1, 2, 3 कहीं भी x का मान रख देंगे तो हमें y का मान निकल जाएगा। तो यहां से हम समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर तो हमारा समीकरण 3 है y = 30 - 3x, y = 30 - x की वैल्यू में 9 रखनी है, 3 × 9
y बराबर 30 माइनस 27, यहाँ से y बराबर आ गया 3, x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया हमारा 3। ये तो था हमारा प्रतिस्थापन विधि से। अब इसी को हम विलोपन विधि से लगाते हैं। तीनों विधि से लगाने पर हमारा x और y का मान परिवर्तित नहीं होगा, बस उसको लगाने के अलग अलग विधियां हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से लग गया, अब हम विलोपन विधि से लगाते हैं। विलोपन विधि, समीकरण था हमारा, उसी समीकरण को 3x प्लस वाई बराबर 30, ये पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण था हमारा 2x प्लस 5y बराबर 33, ये समीकरण दो। समीकरण एक और दो को पहले तो हमें किसी के x या y के गुणांक बराबर करने होते हैं। तो इसमें x का गुणांक है 3, y का गुणांक 2, सॉरी पहले समीकरण के x का गुणांक है 3 और दूसरे समीकरण के x का गुणांक है 2, और पहले समीकरण के y का गुणांक 1 है, दूसरे समीकरण के y का गुणांक 5 है। तो इसमें किसी भी तरह से समान गुणांक नहीं है, तो इन गुणांकों को हम समान बनाएंगे। तो अगर समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें और समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दें, मतलब समीकरण 1 × 2, तो हमें समीकरण प्राप्त होगा इस प्रकार। दाएं पक्ष या बाएं पक्ष दोनों में गुणा करने पर हमारे समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए 3 × 6x प्लस 2y बराबर 60, ये हो जाएगा समीकरण 3। और इसी प्रकार समीकरण 2 × 3, समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर 3 × 6x प्लस 15y बराबर 99, ये समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 में हम देख सकते हैं कि x का गुणांक बराबर हो गया है। इसी प्रकार अगर y का गुणांक बराबर करना हो तो समीकरण 1 में अगर 5 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 5y, इसमें किसी का समीकरण 2 में अगर गुणा न करें तो 5y और 5y दोनों गुणांक बराबर हो जाएंगे। अब समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल करने पर तो विलोपन विधि से हल करने पर पहले समीकरण 3 और 4 को लिख लेंगे 6x प्लस 2y बराबर 60, और 6x प्लस 15y बराबर 99, ये समीकरण 3 है हमारा और ये समीकरण 4। इस प्रकार समीकरण को लिख लेंगे। अब हमें 6x को काटना है, तो यहाँ पे अगर माइनस लगा दे, प्लस और माइनस कट जाएगा, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, प्लस और माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस करते, तो 6x से 6x कट जाएगा, माइनस 15y प्लस 2y, तो माइनस 13y बराबर माइनस 99 प्लस 60, 99 और 60, इसमें घटाएंगे तो 9 और 3 माइनस 39, वाई बराबर आ जाएगा माइनस 39 बटे माइनस 13, वाई का मान 13, 3, वाई का मान 3 आ गया। अब वाई का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1, 2, 3, 4 किसी में भी, तो समीकरण 1 में रखते हैं। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहले समीकरण 1 था हमारा 3x प्लस y बराबर 30,
जहाँ 3x प्लस वाई का मान हमारा 3 बराबर 30, 3x बराबर 30 माइनस 3, 3x बराबर आ गया 27, x बराबर आ गया 27 बटे 3, x बराबर 9। इस प्रकार हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, तो प्रतिस्थापन विधि से भी हल करने पर हमारा x का मान 9 और y का मान 3 आया था। यहाँ पे भी x का मान 9 और y का मान 3 आया था। अब इसी को बज्रगुणन विधि से लगाते हैं, इसी समीकरण को बज्रगुणन विधि से। वज्रगुणन विधि समीकरण था हमारा 3x प्लस वाई बराबर 30, ये पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण था हमारा 2x प्लस 5y बराबर 33। बज्रगुणन विधि से हल करने के लिए पहले हमें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 अर्थात मानक रूप में इसको लिखना होगा। तो ये जो 30 है या 33 है, इन दोनों को अब x और y की तरफ ही पक्षांतर कर देंगे तो समीकरण में प्राप्त होगा 3x प्लस y माइनस 30 बराबर 0। ये समीकरण एक है हमारा। और 2x प्लस 5y माइनस 33 बराबर 0, ये समीकरण दो। अब समीकरण एक और दो में हम x का मान निकालेंगे। अगर इसको फार्मूले के रूप में देखें तो फार्मूले के रूप में इसको लिख सकते हैं b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1। मतलब इसकी अगर मानक समीकरण से तुलना करें, समीकरण एक का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a1x प्लस b1y प्लस c1 ये मानक समीकरण होता है। मानक समीकरण से जब हम पहले वाले समीकरण की तुलना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a1 बराबर 3, b1 बराबर y का गुणांक 1 है और c1 बराबर माइनस 30। पुनः समीकरण दो का a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a2x प्लस b2y प्लस c2 ये भी मानक समीकरण होता है। मानक समीकरण बस a1 और a2 इसे रखा गया क्योंकि पहले और दूसरे संबंध में भिन्नता प्रदर्शित की जा सके। तो यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो यहाँ से a2 का मान निकल आएगा a2 बराबर 2 कॉमा b2 बराबर 5 और c2 बराबर आ जाएगा -33। अब इसी को हमें इस फार्मूले में रख देना है। तो x बराबर होता है b1c2, b1 क्या है 1, गुणे c2 का मान कितना है -33, माइनस b2c1, माइनस b2 का मान कितना है 5 और c1 का मान कितना है -30 बटे a1b2, a1 का मान है 3 गुणे b2 का मान 5 माइनस a2b1, a2 का मान है 2 गुणे b1 का मान है 1। सही। अब x बराबर -33
माइनस और माइनस प्लस, 3 15 हो जाएगा 150 बटे 15 माइनस 2, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 117 बटे 13, x बराबर 9। अब x बराबर 9 हम किसी भी समीकरण में रख दें, पहले और दूसरे में, तो समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक में x का मान रखने पर समीकरण एक में x का मान रखने पर 3x प्लस y बराबर 30, समीकरण एक है हमारा, तो 3 × 3 प्लस y बराबर 30, सॉरी 3 × 9 बराबर 9 प्लस y बराबर 30, यहाँ से y बराबर आ जाएगा 30 माइनस 27 और y बराबर आ गया 3। हमने तीनों विधि से हल करके देखा, x और y का मान समान आ रहा है। इस प्रकार हम इन्हीं दो समीकरणों को अन्य प्रतिस्थापन, विलोपन, बचगुणन विधि से लगा कर देख सकते हैं। इसमें जो सरल हो उसी से लगाते हैं।